इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे तीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो तीन प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में, और आपकी अगर हेयर की स्ट्रेंथ कम है, आपके बाल बहुत ईजिली टूट जाते हैं, तो उनको स्ट्रेंथन करने में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर किया था, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट था। अगर आपने वो प्रोडक्ट ट्राई करा है तो उस वीडियो में जाके या मुझे इंस्टाग्राम पे जाके बताना आपको उसके रिजल्ट कैसे मिले। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई तीन प्रोडक्ट शेयर करूंगा, जिसमें एक फैब्रिक फॉर्म में है, एक शैम्पू फॉर्म में है और एक हेयर सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ कि ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या है, और आप इन तीन प्रोडक्ट को अगर यूज करोगे तो आपको इन तीन प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है मास बाय जीएचसी। इस कंपनी ने मुझे प्रोडक्ट्स भेजे थे 15-20 दिन पहले, और मैंने उनको बोला था कि मैं पर्सनली पहले ये प्रोडक्ट्स यूज करूंगा, उसके बाद ही मैं वीडियो बना के अपने फैमिली के साथ शेयर करूंगा। 15-20 दिन के आसपास हो चुके मुझे प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, मुझे इन प्रोडक्ट से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कंपनी ने मुझे तीन प्रोडक्ट्स भेजे थे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरे पास शैम्पू आया था, मेरे पास टैबलेट आई थी और मेरे पास हेयर सॉल्यूशन। एक एक करके मैं आपको तीनों प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ और तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू के बारे में। शैम्पू का नाम है ग्रो बी, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बी नो हेयर हेयर नरिशिंग शैम्पू। सबसे खास बात जो शैम्पू की मुझे लगी वो ये है कि इस शैम्पू के अंदर आपको डीएसटी ब्लॉकर मिल जाएगा, सल्फेट फ्री है ये शैम्पू, पैराबेन फ्री है, हेयर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, और सारे केमिकल फ्री हैं। जितने भी हार्मफुल केमिकल होते हैं वो केमिकल जिसमें नहीं यूज हुए थे। इस शैम्पू के अंदर आपको एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे जो हेल्प करते हैं आपके स्कैल्प में डेड स्किन को हटाने में। इसके अंदर आपको एरगन ऑयल भी मिल जाएगा जो आपकी स्किन को और आपके हेयर को नरिशिंग करेंगे। इसके अंदर लिपोसोमल कैफीन भी है जो हेल्प करते हैं, स्टिमुलेंट करते हैं हेयर ग्रोथ में। शैम्पू में ऑल्टरनेट डेज यूज कर रहा हूँ, आप इसको हफ्ते में 3 बार भी यूज कर सकते हो, अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। सो मेरी जो हेयर लेंथ है अभी जो मेरी इतनी है, सो इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अमाउंट लेता हूँ। शैम्पू से मुझे अपने बालों में जो फर्क दिखा है वो ये दिखा है कि मेरे को डैंड्रफ था, मेरा डैंड्रफ ठीक हो गया, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरे बाल काफी ज्यादा स्मूथ हो गए हैं पहले से, और जो उनकी ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मुझे दिखे हैं इस शैम्पू से। इसके साथ साथ मैं दो और प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। दूसरा प्रोडक्ट है जो मैं इसके साथ यूज कर रहा हूँ वो है ये भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये ग्रो वी है। इसके अंदर बायोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और जिंक, सारी चीजें आपको इस एक टैबलेट के अंदर मिल जाएगी। बायोटीन काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको हेयर को ग्रो करने में, आपके नेल्स को ग्रो करने में, बियर्ड ग्रो करने में, सो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है बायोटिन। हम जो मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं उसके अंदर बायोटिन होता है, बट इतना नहीं होता जितना इसमें है। इसमें 5000 mcg बायोटिन है एक टैबलेट में, विटामिन सी है, विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, सारी चीजें हैं, तो इसमें आपको विटामिन भी मिल जाएंगे बायोटिन के साथ साथ। या आप अपनी मील के बाद एक टैबलेट ले सकते हैं, मैं लंच के बाद इसकी एक टैबलेट लेता हूँ। ये आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी हेयर को ग्रो करने में। शैम्पू तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट इसमें बायोटिन आपको मिल जाएगा, तो बायोटिन काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको हेयर को ग्रो करने में। तीसरा प्रोडक्ट है जो इसके साथ साथ मैं यूज कर रहा हूँ वो है हेयर सॉल्यूशन। ये इस तरीके से आता है, इसके अंदर आपको हेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा, हेयर सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें स्प्रे मिल जाएगा। इसको कैसे यूज करते हैं, इसको आप उन एरिया में यूज कर सकते हैं जिन एरिया में आपको डेडनेस है, जहां पे आपके बाल नहीं आते एरिया में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आपको स्प्रे करना है 4-5 बार। स्प्रे करने के बाद उस एरिया पे स्प्रे करें जिस एरिया में आपको हेयर ग्रोथ करना है, जहां पे आपके हेयर ग्रोथ काफी कम होती है, उस एरिया में स्प्रे करने के बाद अपने हाथ से इसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए। तो उस एरिया में इवनली स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेगा। मिनोक्सिडाइल है, मिनोक्सिडाइल क्या करता है, वो एक वैसोडायलेटर का काम करता है। जैसे हम सप्लीमेंट्स में नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, हम आर्जिनाइन लेते हैं जो वैसोडायलेटर का काम करता है, ऐसे ये भी वैसोडायलेटर का काम करता है। आपके हेयर फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो को अच्छी तरीके से पहुंचाता है, तो जितना अच्छा आपके फॉलिकल्स में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, वो
उस एरिया में आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफी अच्छी होगी। काफी लोगों को जो हेयर फॉल होता है उसमें सबसे पहले रीजन जो होता है वो डीएसटी का होता है, जब हम कुछ ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं जिससे डीएसटी हमारा बढ़ जाता है तो हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। सो डीएसटी ब्लॉकर भी है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा उन एरिया में जिन एरिया में आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको जिस एरिया में अपनी हेयर रीग्रोथ करनी है वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 स्प्रे आप इसका करिए उस एरिया में, इवनली स्प्रेड करिए कि एक महीने के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट दिख जाएंगे, आपके उन एरिया में रीग्रोथ हेयर रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ और मुझे इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है, मेरी फैमिली में और लोग भी इसे यूज कर रहे हैं, सेम रिजल्ट उनको मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया इस वीडियो को बनाने में। मेरे पास 20 दिन पहले प्रोडक्ट आया था, 20 दिन मैंने यूज किया, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद ही मैं ये वीडियो। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो। कंपनी का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, प्रोडक्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, साथ साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। सो अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो नीचे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वर्कआउट से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूँ, स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।